मध्य प्रदेश विधानसभा में किसानों के मसले पर मोहन सरकार को घेरने का प्लान कांग्रेस ने बनाया है। प्रदेश में इस समय किसान खाद, बीज और बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। कांग्रेस किसान मोर्चे की बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई, जिसमें प्रदेश भर से आए किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष से नेताओं ने चर्चा की। इस विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने बताया कि प्रदेश भर का किसान परेशान है। किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है, खाद बीज को लेकर भी किसान बेहद परेशान है। किसान कांग्रेस की आज बैठक बुलाई है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किसान मजदूर नौजवान अपने आप को लूटा ठगा महसूस कर रहा है। आज किसान कांग्रेस के मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्षों को बुलाकर बैठक ले रहे हैं और समय पर किसानों को बीज मिले, खाद मिले, उच्च क्वालिटी का खाद बीज मिले और बिजली समय पर मिले, समर्थन मूल्य पर आगे फसलें खरीदी जाएं। मूंग की खरीदी जो 8 क्विंटल की जा रही है, वो जो 14 क्विंटल होता है एक हेक्टेयर में, तो पूरी खरीदी की जाए। इन सब मांगों को लेकर हम एक रणनीति तय करके जिला ब्लॉक स्तर पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।